झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी हमें राजमहल विधानसभा क्षेत्र में, राजमहल विधानसभा क्षेत्र झारखंड की हॉट सीट मानी जाती है और यहां से जो है बिहार का जो है सीमांकन स्टार्ट होता है, क्योंकि राजमहल 01 विधानसभा क्षेत्र है वो जो है लगातार अपनी चुनाव को लेकर के यात्रा कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और इस बीच चुनाव में जो भी मुद्दे हैं उसको लेकर के हम जनता से भी मंतव्य ले रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं वो किस मुद्दे को लेकर के विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, कितना जन समर्थन मिल रहा है, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। और चूंकि राजमहल विधानसभा क्षेत्र में जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी एमटी राजा और दूसरी ओर वर्तमान विधायक और भाजपा के प्रत्याशी अनंत ओझा मुकाबला में हैं, वहीं एक प्रत्याशी जो है निर्दलीय के तौर पर उतरे हैं जो कि जिला परिषद के उपाध्यक्ष रहे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जहां दो मुकाबले में त्रिकोणीय मुकाबला को लेकर के जो है चर्चाएं शुरू हो चुकी है और इसी बीच हमारे समकक्ष बैठे हैं सुनील यादव जो कि निर्दलीय के तौर पर राजमहल विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतर चुके हैं और उन्हीं से सीधा जानते हैं कि जो आप मैदान में उतरे हैं कितना जन समर्थन लोगों को मिल रहा है और क्या मुद्दे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में जो जनता के बीच में लेकर के आप जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम 15 से राजनीति में आए हुए हैं। उस समय हम जिला परिषद का चुनाव लड़े थे, उस समय हमको जन समर्थन 5,500 वोट मिला था, उसमें विजय हासिल किए थे। उसके बाद उसमें हम उपाध्यक्ष बने थे, अपना उपाध्यक्ष के कार्यकाल हमने पूरा किया। पूरा करने के दरमियान में 2022 में जब फिर से चुनाव हुआ, कोरोना काल की वजह से एक्सटेंशन मिला था, आगे बढ़ाया गया था डेट। उसके बाद जब 22 में हम चुनाव लड़े तो उस समय हमके तकरीबन 15,000 वोट हमको प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं हम बढ़िया काम किए, इसके चलते हमको 3 गुना वोट ज़्यादा बढ़ाए। उसके बाद जब 3 गुना वोट बढ़ा तो हमको षड्यंत्र के तहत ईडी से रेड मरवा के हमको जेल भेजवा दिया गया। कौन जेल भेजवा? ईडी वाले जेल भेजे हैं और जो हमारा जन समर्थन और प्यार देख करके बड़े बड़े नेता डर गए, इसके चलते हमको जेल भेजवा दिए। कौन नेता है खुलासा कर दीजिए, जनता के बीच में लोगों को संदेश जाएगा कि किनके दबाव में जो है ईडी जो है आपको जेल भेजी। वो जनता जब समझ चुकी है, जनता जवाब देगी इस बार। जिस दिन हम नॉमिनेशन करने जा रहे थे उस दिन भी हमारे घर परेड मराया था ईडी का। तो ये जनता समझ चुकी है, जनता जवाब दे देगी। उसी समय आप जान जाइएगा कि कौन भेजवाए थे या कौन हमको जेल करा रहे हैं। इस बार जो चुनाव में आप उतरे हैं, क्या मुद्दे हैं आपकी जनता को के बीच आप अगर आप जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरे हैं? क्या ऐसी विशेषता है या राजमहल क्षेत्र में क्या ऐसा विकास नहीं हुआ है जो कि आप तलाश रहे हैं और लोगों को के बीच आप जा कर के बोल रहे हैं कि ये विकास नहीं हुआ है, अगर हम जीतते हैं तो राजमहल का क्षेत्र में जो है ये विकास हम करेंगे? विकास समस्या बहुत जा रहे हैं। जब हम जेल से निकले तो सर्वप्रथम हम बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र था, निकले तो हम सर्व अपना घर नहीं जा करके हम पहले क्षेत्र में गए। उस समय से लगातार हमने मदद किया सारे जनता को। जनता को मदद करने के दरमियान में जनता लोग बहुत सारे समस्या सुनाए, जैसे रोड हो गया, पुल हो गया, लाइट हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, राशन कार्ड हो गया, बेरोजगारी हो गया, इस सारे सब मुद्दा है, इसे जितना भी गिनाए वो कम है। इस सब मुद्दा पर जनता एक ही लाइन से बोली कि आप यहाँ से जो हमको मदद नहीं कर पा रहे हैं आप विधानसभा में जाइए, वहाँ से आप हमको मदद करिएगा, इसीलिए हम आपको MLA में देखना चाहते हैं, आप नॉमिनेशन करिए। उनका जनता का आवाज़ बन करके हम नॉमिनेशन किए हैं और जीत जनता लगभग हमको तय कर चुकी है। परिणाम जिला परिषद का जो चुनाव होता है वो थोड़ा सीमित होता है, लेकिन जो विधायक सभा का जो चुनाव होता है, जो विधायक का चुनाव होता है, यहाँ पर आपको कम से कम 3 ब्लॉक कहते हैं, राजमहल विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें 3 ब्लॉक पूर्णता है, तो इतनी बड़ी आबादी को कैसे मैनेज कीजिएगा, कैसे जन समर्थन लीजिएगा, उसका उसके लिए क्या रोड मैप आप बनाए? देखिए, हम जिला परिषद उपाध्यक्ष के नाते राजमहल उद्धवों में भी हम मदद किए हैं, सेवा किए हैं, ये हमारे भली भांति सारे क्षेत्र देखा हुआ है, कोई आज नया नहीं है,
आज हम MLA का चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत सारे चीज़ है जो कि हमको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इसमें जनता जो है लगभग लगभग हमको तय कर चुकी है। आप आए होंगे राजमहल से तो देखे होंगे किस तरह से विकास की नैया बह रही है। विपक्ष का जो आपके जो समकक्ष जो खड़े हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो कि वर्तमान विधायक भी हैं और प्रत्याशी भी हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके जो कार्यकर्ता हैं और उनके द्वारा भी कहा गया है कि विकास को लेकर के मैंने बहुत सारे काम किए हैं और जो मेरे विपक्ष में हैं उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ये उनकी जो है अंधेरे में रहने की आदत है। इस पर आप क्या कहें? विकास का बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा किए हैं, हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छी बात है हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जनता तो दिखा रही है ना। आप राजमहल से आए हैं या कहाँ से आए हो, कैसे आए हैं? राजमहल गए थे आप, आए कहाँ से वो सब बताइए हमको। किस तरह से आए आप, ट्रेन से आए या रोड से आए? हम लोग तो अभी वर्तमान में तो चूँकि हम भी यहीं के निवासी हैं और अभी हम लोग जो क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं तो आप रोड से ही कर रहे हैं। तो रोड से करें तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि रोड के कितना विकास हुआ है। जुमला जुमला वादे करने के बाद ही मान के वो विकास नहीं कहा जाता है, विकास धरातल पर उतरता है। गरीब आपको जो आपको आपका दरवाजा से या आपको तहे दिल से सलाम करे वो आपको विकास कराते हैं। जहाँ सामाजिकता की आप बात कर रहे हैं, जहाँ जाइए क्षेत्र में वहाँ कहीं विकास का नामे नहीं है। विकास क्या कागजे पर सीमित रह गया या चैनल में सीमित रह गया? धरातल पर कहाँ उतरा विकास? जैसे कि उनका कहना है कि हम बना है महादेवगंज में डेयरी फॉर्म है, गंगा पुल बन रहा है, NH 4 वे बन रहा है, इन सभी को लेकर के वो बखान कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? डेयरी फॉर्म तो मान के सरकार की योजना है, वो तो बनाए नहीं अपना से। और डेयरी फॉर्म तो बहुत दिनों से उनका लड़ाई चल रहा है हम लोगों का। बहुत सारे यहाँ पर लिखा पढ़े हम शुरुओं में हम लिखा पढ़ी किए थे डेयरी फार्म में, गाय के लिए, भैंस के लिए, ये सब बहुत सारे हम दूध उत्पादन के लिए बहुत कर, क्योंकि हम पेशे से किसान भी हैं और अभी वर्तमान हम 300 गाय रखे हैं, इसीलिए उस चीज़ को हम बहुत जोर डाले थे हम डालने के लिए। रघुवर दास के समय में यहाँ पर तो पशुपालन का भी पदाधिकारी नहीं थे, तो कहाँ से हो गया विकास? ये आपकी देन है? नहीं, हमारी देन नहीं है, झारखंड सरकार की है। हम इसको और आगे बढ़ाने के, जो बेरोजगारी अभी हो है वो बेरोजगारी दूर करेंगे। बेरोजगारी में है कि यहाँ से जो कमा करके जाते हैं दिल्ली पंजाब कमाने के लिए, तो वहाँ कमा करके अगर कोई कारणवश अगर उनकी हत्या हो जाती है तो वो स्थिति में या एक्सीडेंट से हो जाए मर जाए या मान जाए कहीं गिर के मर जाए, बहुत सारे आप लोग सुने ही होंगे चैनल के माध्यम से, तो वो लोग को बोर्डी ले आने में साहेबगंज माने कि जो कमाए हैं उसका 4 गुना बेसी पैसा कर्ज ले करके उनका बोर्डी ले आने में लग जाता है। लगभग 2 लाख 2.5 लाख रुपया लग जाता है बोरी ले आने में। तो उस स्थिति में हम यहाँ छोटे छोटे उद्योग खोल देंगे तो वहाँ वो हमारे समाज के लड़के बच्चे तो यहीं कमाएंगे ना, कहीं दूसरे जगह तो नहीं जाएंगे ना। तो कम से कम जो भी होगा तो उसको जो कमाएंगे तो यहीं पर रहेंगे ना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, आप एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, JMM के कार्यकर्ता के रूप में जो है आप इस क्षेत्र में काम किए हैं, इस बार JMM के भी उम्मीदवार MT राजा मैदान में हैं, तो पार्टी के खिलाफ बगावत भी कर रहे हैं आप? देखिए, हम कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। हमारे पापा RSS से काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी सदस्य भी हैं, तो हम कोई पार्टी के नहीं किए। हम जो चुनाव पंचायती जो लड़ते हैं वो अपना। आप JMM में कभी शामिल नहीं रहे? नहीं, जब भी मैंने चुनाव लड़े हैं आप निर्दलीय? आप निर्दलीय लड़े हैं, हम पार्टी से विशेष में नहीं चुनाव लड़े हैं। अभी भी लड़ रहे हैं तो हम पार्टी विशेष में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अपना हम निर्दलीय लड़े हैं। हमारा जनता पार्टी है, जनता चुनेगी हमको, वही पार्टी बनाती है, वही हमको सर ऊंचा उठाती है। इस बार का जो चुनाव है 2024 का, किनसे मुकाबला आप अपने आप को देख रहे हैं? हमको तो किसी से मुकाबले नहीं है, हमारे रेस में तो कोई दिखिए नहीं रहा है। तो जो दो प्रत्याशी जो अपने आप को रेस में बता रहे हैं कि हम सबसे आगे हैं, तो आप क्या कहेंगे? बताने का तो बहुत लोग बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे। 23 तारीख का परिणाम देख लीजिएगा। लगता है कि 20 नंबर को जो मतदान होगा उसमें जन समर्थन मिलेगा, जो बाल्टी आपका चुनाव चिन्ह है उसमें पूरा बाल्टी भरेगा वोट के माध्यम से? बाल्टी तो देखिए सब कुछ के काम आता है ना, नहाने में, गाय दूहने में,
कपड़ा धोने में सब कुछ का काम ही आता है बाल्टी। जनता समझ गई है कि बाल्टी से हमको काम करना है, बाल्टी हमको सब कुछ और कुछ थोड़ों को काम आता है। वोट मिलेगा बाल्टी में ना? बाल्टी भर के मिलेगा, चिंता मत करिए, बाल्टी भर के मिलेगा। तो 23 तारीख को जो परिणाम आएगा क्या लगता है? सर्टिफिकेट के लेंगे, जनता अभी हमको जिता चुके, सर्टिफिकेट के लेंगे। क्षेत्र में पूरा जन समर्थन मिल रहा है? हाँ, पूर्ण जन समर्थन है। कितना लाख वोट से आप सोच रहे हैं कि लीड लेंगे? लगभग लाख प्लस जाएगा। चलिए, यह है सुनील यादव जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजमहल विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोक रहे हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी मुकाबला में है हम उनसे जो है आगे हैं और लाख वोट से जो है वो लीड करेंगे। अब चूंकि मतदान 20 नवंबर को होना है और 23 नवंबर को जो है उनकी गिनती होगी, इस बीच जो चुनावी आंकड़े हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें काफ़ी जो है इस बार त्रिकोणीय मुकाबला की संभावनाएं दिख रही है, और इस त्रिकोणीय मुकाबला में कौन सी पार्टी जीतती है या निर्दलीय के तौर पर सुनील यादव किस रूप में जनता का समर्थन मिलता है, यह सबसे बड़ी बात होगी और इसका पता 23 नवंबर को ही चलेगा।